दोस्तों, आप सबके पास अलग अलग कंपनी के फ़ोन होंगे और आप फ़ोन अपने बजट और फीचर्स के हिसाब से खरीदते होंगे, लेकिन आपको सिर्फ सैमसंग के मोबाइल ही खरीदने चाहिए। और दोस्तों, इसके पीछे काफ़ी सारी वजह है कि आपको सैमसंग के मोबाइल ही खरीदने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हम यहाँ पर पहली वजह की बात करें कि आपको सैमसंग के मोबाइल्स क्यों खरीदने चाहिए, तो वो सबसे बड़ी वजह है सार वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, हर मोबाइल में अपनी सार वैल्यू होती है और दोस्तों, इस सार वैल्यू का कनेक्शन आपकी हेल्थ के साथ होता है। अगर किसी मोबाइल में सार वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो ये आपके लिए खतरे की बात है। और अकेली सैमसंग कंपनी ही ऐसे मोबाइल्स बनाती है कि जिसका सार वैल्यू बहुत ही कम होता है और इससे आपके बॉडी को मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से कोई भी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें कि सार वैल्यू क्या होता है, तो सार वैल्यू का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। दोस्तों, सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जिनमें मोबाइल फोन्स भी आते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं और सार वैल्यू में लिखे अंकों से ही हमें पता चलता है कि मोबाइल कितनी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। और सार वैल्यू से ही ये पता चलता है कि हमारे बॉडी के कितने टिश्यूज सार वैल्यू के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी भारत सरकार ने एक सुरक्षित सार वैल्यू लिमिट तय की है जो कि है 1.6 वाट किलोग्राम, और यही सार वैल्यू सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है। और अगर आपकी सार वैल्यू इससे थोड़ी भी ज़्यादा है तो आपको तुरंत ही अपना मोबाइल बदल देना चाहिए। दोस्तों, हालांकि हमारे भारत में जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं उनकी सार वैल्यू 1.6 वाट से कम ही होती है, लेकिन इन सब मोबाइल्स की तुलना में सैमसंग की सार वैल्यू सच में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर हम वही चाइनीज कंपनीज की बात करें जैसे कि ओप्पो, वीवो, रेडमी, शाओमी, इन सभी कंपनियों के स्मार्टफोन्स की सार वैल्यू 1.6 से कमी होती है, यानी कि सुरक्षित होती है, लेकिन इनकी सार वैल्यू हमेशा 1 के आसपास ही होती है। और दोस्तों, सैमसंग के अलावा भी ऐसे कई सारे कंपनियों के फोन्स हैं कि जिनकी सार वैल्यू कम ही होती है। दोस्तों, अब सैमसंग के मोबाइल्स खरीदने के पीछे दूसरा कारण है कि ब्रांड वैल्यू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सैमसंग काफ़ी पुराना और अच्छा ब्रांड है, और सैमसंग के मोबाइल्स की खास बात यह होती है कि उनकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। और अगर आप कोई सैमसंग का मोबाइल खरीदते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई ब्रांडेड मोबाइल खरीदा है और आपने किसी सही डिवाइस पर अपना पैसा खर्च किया है। और इसके अलावा अगर आप कोई चाइनीज ब्रांड्स खरीदते हैं जैसे कि ओप्पो, वीवो, रेडमी, शाओमी, तो इन फोन्स को खरीदने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई ब्रांडेड मोबाइल है। दोस्तों, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी सैमसंग का मोबाइल लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल बहुत ही ट्रस्टेड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल देते हैं। सोचिए कि अगर आपने कोई सैमसंग का 50,000 वाला मोबाइल खरीदा है, तो क्या आप वही 50,000 रुपये किसी चाइनीज ब्रांड वाले मोबाइल पे खर्च करेंगे? जाहिर है कि आप उसी मोबाइल पे अपना पैसा खर्च करेंगे जिसमें क्वालिटी हो। और सैमसंग कंपनी के फोन्स महंगे होते हैं, लेकिन वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, सैमसंग के मोबाइल खरीदने के पीछे तीसरा कारण है रीसेल वैल्यू। यानी कि मान लीजिए कि आपका सैमसंग मोबाइल पुराना हो चुका है और आप उसे बेचने के लिए जाते हैं, तो आपको जो मोबाइल खरीदने वाला है वो काफ़ी अच्छी खासी रकम देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो जो मोबाइल ले रहा है उसमें क्वालिटी है और वो सैमसंग का मोबाइल है। यानी कि सैमसंग के पुराने फ़ोन अच्छी कीमतों पर बिक जाते हैं। और अगर आप ओप्पो, वीवो, रेडमी, शाओमी जैसे चाइनीज मोबाइल को बेचने जाते हैं, तो आपको खरीदने वाला अच्छी खासी कीमत नहीं देता है, क्योंकि चाइनीज मोबाइल्स में क्वालिटी नहीं होती है। दोस्तों, सैमसंग मोबाइल खरीदने के पीछे चौथा कारण है लॉन्ग लाइफ, यानी कि सैमसंग ज़्यादा समय तक टिकता है। दोस्तों, सैमसंग के मोबाइल्स काफ़ी लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल्स काफ़ी मजबूत होते हैं और उनके अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी कारण ये है कि सैमसंग सर्विस और एक्सेसरीज देता है, और सैमसंग के सर्विस सेंटर्स पूरे भारत में मौजूद है, तो इसीलिए आपको सैमसंग के मोबाइल्स में सर्विसिंग के लिए कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ही सैमसंग मोबाइल्स की सभी एक्सेसरीज जैसे कि हेडफोन, चार्जर, OTG केबल, ऐसे ही कई सारे एक्सेसरीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और इन सभी बातों के अलावा आपको सैमसंग मोबाइल्स खरीदने से पहले उनके फीचर्स के बारे में देख लेना चाहिए,
तो दोस्तों ये थे वो पांच कारण जिनकी वजह से आपको सैमसंग मोबाइल सी लेने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।